लवप्रीत बेअंत कौर का मामला इस वेले पंजाब तो लैके विदेशों में पूरी तरह भखिया होया, जिथे सोशल मीडिया से लवप्रीत के हक में पूरी दुनिया बेअंत कौर के खिलाफ होई पई है। बीते दिन इस मामले के पहला महिला कमिश्नर की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी भी लवप्रीत के घर पहुंची, तो दूसरे पास बेअंत कौर के घर कुछ बंदे अपने आप को एक्सटरनल अफेयर के वड्डे अफसर कह के बेअंत कौर को डिपोर्ट कर गल्लां कर रहे सन। पर हुण इस सारे मामले दे विच इक नवा मोड़ सामने आ गया, जिते हकीकत टीवी पंजाबी दे हत्थ अजिहे सबूत लगे ने जिसनू देख के तुहाडे होश फाकता हो जाने। दरअसल इत्थे बेअंत कौर वालों एक चिट्ठी सांझी की गई है जिहड़ी लवप्रीत ने उसनू 2019 दे विच भेजी सी, जिसनू पढ़ के तुहाडी इस केस दे विच सोचनी हो सकता है कि पूरी तरह बदल जाए। मैं सारिया जाणियां तों मुआफ़ी मंगदा, मैं अपनी जिंदगी नूं अलविदा कह रहा हाँ। मैनू अपनी जिंदगी कुछ रीज़न करके नहीं पसंद, सारियां नूं मैं रिक्वेस्ट करदा कि बेअंत ने मैनू कुछ नहीं कहा, मेरी कोई भी लड़ाई नहीं बेअंत नाल, सारियां नूं बेनती आ कि बेअंत उत्ते कोई भी इल्ज़ाम गुस्से बेअंत नूं कुछ ना कहा जावे। बेअंत मैनू बहुत प्यार करती है, उहदे नाल मैं खुश हाँ। मैं कुछ आप दे रीज़न करके जिंदगी छड रहा हाँ, अते जो उसकी फस्ट समेस्टर की फीस रहती है वह मेरी फैमिली भरेगी। मैं अपने माता पिता रिश्तेदार बेअंत मेरी राणी सारियां तो मुआफ़ी मंगदा हाँ। मैं गलत काम खुदकुशी कर रहा, हो सकिया तो माफ़ कर दिओ, धन्यवाद। बस यह चिट्ठी जिमें ही लवप्रीत ने बेअंत कौर नूं व्हाट्सएप राही सेंड की, तो नाल ही लड़की ने लवप्रीत की भैन नूं यह सारा मामला दसिया, जिस तों बाद दोहां दी चैट यह साफ कर रही है कि भैन नूं हर गल का इलम हो गया सी कि मुंडा मौत मंग रहा, तो दूसरे पासे अपनी घरवाली नूं बेकसूर दस रहा। इस विच कोई शक नहीं है कि यह सारा मामला हुण पेचीदा होता जा रहा, जिस तों बाद लड़की के परिवार वाले इसनू एक मशहूर वकील कोल लैके पहुँच गए ने, अते वकील तो इंसाफ की उम्मीद लगाई जा रही है। असी लड़की पक्ष वालों यही पकड़ करना चाहते हैं भी जिहड़ा लड़के ने जो शादी हुई उस तों बाद ही वो डिप्रैशन का मरीज सी, ते उदों तों ही उहदी जिहड़ी इच्छा सी सुसाइड करन दी सी। अगर कोई लड़की का कसूर हुंदा, अगर लड़की दे किते भी हुंदी तां शादी तों तां 3 साल हो गए हुण, जे हुण उहदी डैथ हुई है तां डैथ तों पहलां भी कोई सुसाइड नोट लिख सकदा सी, तो इस तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं होता डैथ तों पहलां भी मैनू की हालत दे विच मैं सुसाइड कर रहा या मैं मर रहा, तो जिहड़ी उहदी हले डैथ है मिस्ट्री है कि किवें मरिया किवें ना मरिया, उहदे हले कानूनी तौर पर उहदी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उहदी विसरा रिपोर्ट है वह कानूनी तौर पर आएगी, तो इनकुआरी होणगीआं जदों और इनवैसटीगेशन होएगी तद ही तत्थ सामने आणगे। पर जिहड़ा 306 वाली गल कीती जा रही है या लड़की नूं विक्टम बनाया जा रहा है, बली का बकरा बनाया जा रहा है लड़की नूं, लड़की के परिवार नूं, वह बिल्कुल गलत है। और असीं खुद चाहते हैं भी जिहड़ी है इहदी किस बिहाफ ते कह रहे हो तुसीं? मैं जी जिहड़े इस बिहाफ ते कह रहा क्योंकि जिहड़ा लड़के ने जदों 26/9/2019 नूं अपने हत्थ नाल इक सुसाइड नोट लिखिया और उन्हें वट्सएप के उपर अपनी वाइफ नूं कनेडा दे विच बैठी नूं बेअंत कौर नूं भेजिया, जदों बेअंत कौर नूं उहदी मैं उहनूं कॉपी दिखा सकदा, मेरे कोल कॉपी है पंजाबी लिखा हुआ है बड़ा साफ सुथरा और बड़ा मतलब हर एक बंदा पढ़ सकता है। जदों सुसाइड नोट लड़की ने लड़की नूं मिलिया तो उस टाइम लड़की ने लड़के की भैन राजू राजवीर कौर जी मैरिड है उसकी ननान लगती है बेअंत कौर की, उसने उन्होंने फोन के नाल दी गल की चैट की, तो उन्होंने कहा भी इस तरह की उन्हें चिट्ठी भी भेजी वो जी सुसाइड नोट वाली हैगी, उसकी कॉपी भी भेजी उन्होंने अपनी ननान को भी आह लिख के भेजे तेरे भरा ने तुम जाके पता करो इस तरह की गल्ला लिखिया दो मोटिया मोटा जी किसी विक्टिम बनाया हाँ जी रोकी बनाया नहीं 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 जेड़ा जी उसने लड़के लिखा उहदे विच दा राधर यह साबित हुंदा है भी वह वाइफ उन्होंने बहुत प्यार करती है, उहदा कसूर ही कोई नहीं। और मैं ये कह रहा भी मैं अपने कुछ परसनल जिहड़े रीजनस करके जिहड़ा सुसाइड कर रहा और मेरी वाइफ जिहड़ी हैगी है बेअंत कौर मेरा उहदे नाल बहुत प्यार है, मैनू कदे उहने कदे कुछ नहीं कहा और मैं उहनू जाण तों बाद चाहना
और उसके खिलाफ कोई इल्जाम ना लगाया जाए तो रादर बल्कि उन्होंने यूज कर रहा वर्ड भी मेरे रिश्तेदार बेअंत मेरी राणी मतलब इन्ने प्यार भरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भी उसके मतलब उसके ना कोई गिला शिकवा ताकि कोई गल ही नहीं इस तरह की भी लड़के के दिमाग कोई अपनी वाइफ लिए कोई गल होती उसके बाद कुछ मैं उसके बाद जी है लड़की ने जी है नाल दी नाल अपनी ननानू गल की उन्हों की चैट की कॉपीज भी मेरे को है तो उन्हें कहा भी जाके देखो की है फिर वो भैन जो वो गई तो वो दोबारा फिर चैट हुई भी असं वो जाके आए हैं लाडी को मुंडे को लवप्रीत को कॉपी भी तुम दिखा सकता मैं वो कॉपी भी हैगी जी तो उसने बल्कि गल की राजू की हैलो हाँ जी हाँ दीदी लाडी नू पता नहीं की होया मैनू मैनू की है आ चिट्ठी भेजी है मैनू कल मैनू आ चिट्ठी भेजी है तुसी जाके पता करो उहदे बाद जदों जी उहनू करती तां फिर उहने जाके फिर दुबारा गल की ओके दीदी की हाल है दीदी की कहिंदा लाडी वह कहिंदी अज गए सी असीं क्योंकि मैरिड हैगी उहदी भैण कहिंदा कुछ नहीं होया असीं बहुत पुछिया असीं असीं पेज लभ लिया उह जिहदे विच उसने लिखिया सी जो सुसाइड नोट लिखा सी ना वो लभ लिया पेज वो कोई नाम नहीं लिया कह के तो बहुत कुछ आए हाँ पर नहीं समझे कारण पता नहीं लगे भी क्यों लिख रहा है नहीं, कोई, नहीं।, नहीं। वो मैंटल डिप्रैशन इस तो साबित होंगे भी वो मैंटल डिप्रैशन से क्योंकि इस तरह दिया बहुत बीमारिया ने जिस तरह सीजोफ्रीनिया एक ऐसी बीमारी है कि बंदे के मन के अपने बिना किसी कारण तो भी चलता रहता भी मैं सुसाइड कर ला और एक होर आरोप लगाया जा रहा है कि जेडे उन्होंने लड़की पक्ष वाले ने लड़की ने अपने मां बाप के वीजे लगवाए वो बिल्कुल जी मैं बिल्कुल गलत है वो जो रखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के उपर मेरे को सारे पासपोर्ट ने लड़की के फैमिली के अज तक कोई वीजा कोई स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है सारे खाली पे ने पासपोर्ट आ पासपोर्ट की कॉपीज मेरे को देख सकते हो कोई इन्हों के उपर वीजा नहीं लग्या कोई इन्हों के उपर स्पॉन्सर नहीं किसी ने किया कोई फाइल नहीं लगाई किसी की अगली कार्रवाई तो जी असं जी हूँ शुरू कर रहे हैं वालों तो वो यही है भी जी असी पंजाब पुलिस को डी जी पी साहब वगैरह को और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जी है एप्लीकेशन भेज रहे हैं भी सोशल मीडिया से जो लड़की नू, लड़की के पेरेंट्स को नजायज तंग परेशान किया जा रहा है झूठिया वाह फैलाइया जा रही ब्लैकमेल किया जा रहा है उन्होंने जी नकेल पाई जाए तो उन्होंने खिलाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई की जाए इस मैटर अभी कोर्ट से भी लैके जावे जी बारे सारे डॉक्यूमेंट्स है जी जो लड़की 2019 लड़की जो बालग हो गई तो जो उन्हें टैक्स वगैरह जिन्हें पेपर भरे उन्हें इतने कनेडा उस उन्हें अपना स्टेटस पहले अनमैरिड से फिर उन्हें हम मैरिड करके दिखाया अपना हसबैंड का नाम उन्हें मैनशन किया अपने वर्क परमिट के भी लवप्रीत का नाम मैनशन किया है अपने उन्होंने जो स्टेटस है अनमैरिड तो मैरिड दिखाया इस करके इस तरह की कोई गल नहीं सी उन्हें वह नाम नहीं कितने लिया या उन्होंने बुलाना नहीं चाहती जो जी डिले हुई ड्यू टू कोरोना करके हुई इसलिए समझे लोग जज्बाती होकर कर रहे हैं क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज परमिट नाम है जी वो वर्क परमिट के उपर भी आ पे जी और सारा मैनशन है वर्क परमिट के उपर भी बिल्कुल गलत है जी वो नॉर्मल चीज़ है यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तुसी चंडीगढ़ चले जाओ फ्रेंड्स पार्कों के होटल के डांस कट्ठे करते हैं लड़के लड़कियाँ कट्ठे बाह च बाह पा के नचते हैं तो अगर किस तरह की कोई फोटोग्राफ्स है ये तो कुछ भी नहीं अगर इस तो ज़्यादा भी कितने हो गए भी वो ये थोड़ा साबित हो जाएगा भी कोई वो उसकी बैड इंटेंशन सी या कोई रिलेशन सी जिमें कि कई कई जगह इस तरह के इंटरव्यू चल रहे हैं जो लड़का पक्षा जान के जो करते हैं चाचा ने वो ये कह रहे हैं कि असी लड़की आवे सानू रखण दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी पर पहला असी उसका मेडिकल करवा लवांगे अगर जिस तरह साढ़े लवों गई सी उस तरह वापस आउंदी है ये तो कानूनी तौर पर जी पॉसीबल ही नहीं हो सकता भी असी लड़की दे कोई बच्चा नहीं लड़की कनेडा च रह रही है लड़की उत्थे वर्क परमिट उन्हों या पढ़ाई उन्हें की हैगी जे तो देखो बसात की गलता तो होंगी अगर कोई डिस्प्यूट हो लड़की बसात की गलता की जा सकती है अगर उन्हें पहला कोई डिस्प्यूट हो कहने मकसद यह है भी लड़की दे उत्थे जाके किसी नजायज संबंध बने तो साडे मुंडे नूं छड्डिया तां साडे मुंडे सुसाइड कीता अगर इस तरह की कोई गल होंगी कोई नजायज संबंधा वाली तो लड़का एक्सप्रैस कर सकता सी अपना कोई शक भी जाहिर कर सकता सी या वो परिवार वाले कोई शक जाहिर कर सकते थे किसी को एप्लीकेशन दे सकते थे किसी को चाराजी भी कर सकते थे पेश हो सकते थे भी देखो जी जी लड़की गलत है साडे लड़के नाल धोखा कर रही है इस तरह की कोई गल ही नहीं है कोई अभी जो सोशल मीडिया चल रहा जी बिल्कुल गलत है लोगों की जी भावनावान ने उन्होंने ठेस लग रही है और जो भोले पाले लोग ने उन्होंने तो यह लग रहा है भी लड़की वाले बहुत लड़की का परिवार लड़की ने पता नहीं कितना जुल्म करता कितने पाप करते लड़की गालां कढ़ियां जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है लड़की लड़की के जो पेरेंट्स ने
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਦਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਜੀ 76967 96275 ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 76967 96275